देश का एक जवान अपने कर्तव्य के प्रति कितना निष्ठावान है एवं देश सेवा के लिए कितना न्योछावर होता है, इसका ही उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब मंगलवार को मध्य प्रदेश के बड़वा स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल RTC के बल सदस्य उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ AA कमिलास अपनी छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन में अपने गृह निवास गए हुए थे। तमिलनाडु में वह फंस कर रह गए थे। सूचना मिली कि बल सदस्य अपने कर्तव्य पर लौट सकते हैं। उस दौरान बस और ट्रेन का अभाव जवान के सामने देखा तो उसने तुरंत ही बाइक से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और सफर तय करना शुरू कर दिया। करीब 2000 किलोमीटर तक उसने बाइक चलाई है और अब अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए हैं। CISF के इस जवान को सभी लोग सलाम कर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वाह से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। मैं तमिलनाडु स्टेट तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ अभी। यहाँ से कितने किलोमीटर है वो? अभी मेरा घर से यहाँ तक 1967 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा हूँ अभी। मेरा नाम है ये एंटनी कमिलस, सब इंस्पेक्टर हूँ CSF में। RTC बरवा में ड्यूटी करता हूँ। यही जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें ड्यूटी करता हूँ। CSF RTC बरवा में ड्यूटी करता हूँ, ट्रेनर हूँ। सर, आपने बताया कि आप 1967 किलोमीटर यात्रा करके आए हैं, तो आप बाइक से इतने दूर की यात्रा करके चले आए? हाँ सर, बिल्कुल बाइक से आया हूँ। अभी हमारे एरिया से अभी गवर्नमेंट ने कोरोना ज्यादा ना फैले इसलिए लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन अभी सर्विस में लाया है। और मेरा घर है चेन्नई से 600 किलोमीटर से ऊपर है, वहां से ट्रेन अभी तो अवेलेबल नहीं है और वहां तक जाना मेरे को भी उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने सीधा ही ड्यूटी करने के लिए अपना बाइक से ही वहां से चल के आ गया। तो सर बताइए, आप लॉकडाउन खुलने के बाद में भी जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती उस समय भी आ सकते थे, फिर भी आपने बाइक से और इतने दूर यात्रा करके आ गए आप? ऐसा है, लॉकडाउन से पहले मैं छुट्टी चला गया, अभी छुट्टी जाके ज्यादा दिन भी हो गया और देश के इस कोरोना का संकट में इतना दिन घर में रहना उचित नहीं है समझा मैंने। और ड्यूटी में ज्वाइन करने के लिए मैंने पूरा ही सोच लिया था क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी हमारी, इसलिए मैंने वहां से ही पूरा ठान लिया अपना पूरा ड्यूटी में रिपोर्ट करना ही है बोल के, इसलिए मेरा सफर भी आसान से निकल गया। तो आप रास्ते में आ रहे होंगे तो आपको बहुत सी मुश्किलें आई होंगी, आप कितने दिन में आपने ये यात्रा पूरी की? मेरा पूरा 3 दिन लग गया। रात को 9 बजे के बाद में मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाया और दोपहर में 1 से 3 बजे तक भी आराम भी कर लिया और जो ढाबा है एक आधा खुली थी उसमें चारपाई बाहर निकलवा कर उसको डिसइंफेक्शन पूरा अच्छी तरह से करवा कर और ट्रैवलिंग के समय में पूरा मास्क पहन के ग्लव्स और सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ लेके पूरा सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए। आराध्य साइनेज लेकर आए हैं सैनिटाइजर पैडल स्टैंड, जिसमें आप बिना पंप को छुए अपने हाथ कर सकते हैं सैनिटाइज। सैनिटाइजर पैडल स्टैंड खरीदने के लिए करें तुरंत संपर्क, मोबाइल नंबर 7610501111।